हेलो बच्चों, आज हम आपको परिचय कराएंगे पक्षियों से। इस किताब को लिखा है और इसमें जो चित्र है उसे बनाया है समीधा गुंजल ने, और इसका जो अनुवाद है उसे किया है राजेश खर ने। इस पहले पन्ने को आप ध्यान से देखिए, यह आपको किसकी तस्वीर लगती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक पक्षी की तस्वीर है, यानी एक पक्षी का चित्र बनाया हुआ है। और इसे कैसे बनाया गया है? अलग अलग रंगों के पंखों से बनाया गया है। आइए तो अब हम पहचानते हैं पक्षियों को। मुर्गा, इसे आप अपने आसपास के गांव में भी देख सकते हैं। गिद्ध, गौरैया, यह आपको अपने घर के आसपास भी देखने को मिलेगी। मोर, ये आपको पार्क में जहाँ आप खेलते हो वहाँ पे भी और अलग अलग जगह पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों। धनेश, ये इसकी चोंच लंबी होती है और नीचे की तरफ घुमी हुई होती है। तोता, ये तो आप आसपास अपने पेड़ों पे भी देख सकते हो। मराल, इसे हम हंस भी कहते हैं। कबूतर, सारस, किलकिला, उल्लू, ये तो आप रात में भी देख सकते हो, ये इस पक्षी को रात में देखा जाता है। तो ये थे सारे पक्षी, और इन्हें आप पहचानिए और अपने आसपास भी जो भी आपको पक्षी दिखे उन्हें भी आप पहचानने की कोशिश करिए।